दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के पेंशन भोगियों को पेंशन ना मिलने की खबर हमने आज ही दिखाई और कुछ ही घंटे में उसका असर हुआ। उन्हें पेंशन की पहली किश्त आज ही जारी कर दी गई। उनसे आके मिली थी और उन्होंने सारा उनका दर्द बयां किया था, तो मैंने कहा था कि हम सभी कर्मचारियों का एक माह का जो उनका पेंशन है उसको सोमवार तक जारी कर देंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी। ईपीएस 95 पेंशनर्स के हक में सीबीटी ने सुनाया अभी अभी नया फैसला और नए संसद भवन से पेंशन को लेकर एकदम नया लेटेस्ट फैसला जारी हुआ, जिसके अनुसार अब आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। तो कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फायदा कौन से पेंशन धारकों को मिलेगा और कितनी मिनिमम पेंशन ईपीएस की 1000 रुपए की जगह अब आपको मिलेगी। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है या फिर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है तो इस वीडियो को कृपया करके ध्यान से देखते रहिएगा, जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सीबीटी की मीटिंग में फाइनली फैसला हुआ, जिसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक के उन सभी को मिनिमम पेंशन जो पहले 1000 रुपए की मिलती थी अब उनको 1000 रुपए की जगह मिनिमम पेंशन 9000 प्लस डीए के साथ में मिलेगी। और जो आपकी 4 सूत्रीय मांगों की बात करें तो जिनमें से 2 मांगों को स्वीकृति मिली है, तो दूसरा आपको कौन सा लाभ मिलेगा, तो मेडिकल की सुविधा का आपको साथ में दूसरा लाभ मिलेगा। जो पेंशन धारक है मेडिकल की सुविधा को लेकर यानी कि मांग करे कि सरकार मेडिकल की सुविधा का साथ में फायदा दे, तो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको मिनिमम पेंशन 9000 प्लस डीए के साथ में मिलेगी और मेडिकल की अच्छी फैसिलिटी की सुविधा भी आपको अब दी जाएगी। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है, लेकिन कन्फर्म आपके लिए फैसला क्या होने वाला है, क्या अब आपकी 9000 प्लस डीए पेंशन लागू हो चुकी है? तो फिलहाल ऐसी सरकार से घोषणा नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफओ से ऐसी घोषणा नहीं हुई है, जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी बताई जा रही है। जिसमें की बात करें सच्चाई की, तो फिलहाल ऐसा कोई भी फैसला सरकार ने जारी नहीं किया है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला जारी किया है। मामला फिलहाल पेंशन का जो है वो लंबित है, जिसकी कोई आधिकारिक ऐसी घोषणा पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जारी नहीं हुई है।